रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम हॉलीवुड में उन प्रमुख सितारों में शामिल है जिनका करियर न केवल बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों और फिर से स्टारडम में वापसी के लिए भी सराहा जाता है। अपने विविध अभिनय कौशल और चार्मिंग व्यक्तित्व के साथ उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया है। आइए जानते हैं उनकी 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के बारे में। 1. आयरन मैन 2008। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये फिल्म न केवल रॉबर्ट डाउनी जूनियर के करियर की सबसे बड़ी हिट है बल्कि यह उनकी वापसी की भी कहानी है। आयरन मैन में उन्होंने टोनी स्टार का किरदार निभाया जो एक अरबती उद्योगपति है और बाद में सुपरहीरो बन जाता है। उनकी बेहतरीन अभिनय और इस किरदार की वाक्पटुता ने उन्हें दुनिया भर में पसंदीदा बना दिया। इस फिल्म ने उनकी छवि को पुनर्जीवित किया और उन्हें एमसीयू का अनमोल हिस्सा बना दिया। 2. शर्लॉक होम्स 2009। आर्थर कॉनन डॉयल के प्रसिद्ध जासूस किरदार शर्लॉक होम्स को पर्दे पर जीवन करने में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कमाल का काम किया। अपनी तीव्र बुद्धिमानी और उत्कृष्ट वाक्पटुता के साथ उन्होंने इस किरदार को एक नया आयाम दिया। इस फिल्म ने उन्हें एक बार फिर आलोचकों से सराहना दिलाई और बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार सफलता पाई। 3. दी एवेंजर्स 2012। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आयरन मैन के बाद एवेंजर्स सीरीज में उनकी वापसी ने उनके स्टारडम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस फिल्म में टोनी स्टार के रूप में उनकी टीम लीडरशिप और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें इस टीम का सबसे चमकता सितारा बना दिया। एवेंजर्स एक मेगा हिट साबित हुई और एमसीयू के इतिहास में मील का पत्थर बनी। 4. ट्रॉपिक थंडर 2008। इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी कॉमिक टाइमिंग और विविधता दिखाते हुए एक सैटायरिक किरदार निभाया। उन्होंने कर्क लाजर्स नामक एक अभिनेता का किरदार निभाया जो एक फिल्म के दौरान खुद को असल युद्ध में पाता है। उनके इस किरदार ने उन्हें ऑस्कर नामांकन दिलवाया और साबित किया कि वे केवल एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक उम्दा कॉमेडियन भी हैं। 5. शेफ 2014। शेफ में उनका कैमियो भले ही छोटा था लेकिन उनके करिश्माए अंदाज ने इस फिल्म में भी उनकी उपस्थिति को बेहद यादगार बना दिया। यह एक लाइट कॉमेडी फिल्म है जो भोजन और परिवार के संबंधों को खूबसूरती से चित्रित करती है। इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का किरदार छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में था। किस किस बैंग बैंग 2005। ये फिल्म रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी का एक और अहम पड़ाव है। एक हास्य जासूसी थ्रिलर में उन्होंने हैरी लॉकहार्ट का किरदार निभाया जो एक छोटे चोर से जासूस बन जाता है। उनके अभिनय की तारीफ हर जगह हुई और ये फिल्म उनके करियर को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई। Where is she? Where the fuck is Harmony? Harry. Wanna play hardball? I can do that. Where is the... 7. Zodiac 2007। डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक रिपोर्टर पॉल एवरी का किरदार निभाया। जोडियक एक सच्ची कहानी पर आधारित है जो सैन फ्रांसिस्को के जोडियक किलर की खोज पर केंद्रित है। इस फिल्म में उनका गंभीर और गहन अभिनय बेहद सराहनीय है। 8. ड्यू डेट 2010। यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक गुस्सेल और तनावग्रस्त आर्किटेक्ट का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब वह एक अनजान व्यक्ति के साथ यात्रा करने पर मजबूर हो जाता है। फिल्म में उनकी और जैक गैलिफियानाकिस की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया। 9. द जज 2014। इस ड्रामा फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक सफल वकील हाक पामर का किरदार निभाया जो अपने पिता के केस की पैरवी करने घर लौटता है। फिल्म में उनकी और उनके पिता के बीच का संबंध बेहद भावनात्मक और मार्मिक है। इस फिल्म ने उनके अभिनय के एक और गंभीर पहलू को उजागर किया। Innocent people can't afford me.
दास चैपलिन 1992। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस फिल्म में महान कॉमेडियन और फिल्म निर्माता चार्ली चैपलिन का किरदार निभाया। उनका यह प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि उन्हें इसके लिए ऑस्कर नामांकन भी मिला। फिल्म में उन्होंने चैपलिन के जीवन की जटिलताओं और संघर्षों को बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है और यह उनकी करियर की सबसे प्रशंसित भूमिकाओं में से एक है।